आज ताज पैलेस में स्वर्गीय रामलाल भट्ट की 5वीं पुण्यतिथि पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर और कोरोना बचाव के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम अंजना रानी, गुलशन भट्ट और जलवायु बचाव अभियान हरियाणा प्रभारी अशोक भट्ट की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। शिविर में हरियाणा राज्य के पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए थे। शिविर के संचालन में प्रशांत शर्मा, ऋतिक वर्मा आदि का विशेष योगदान रहा। भट्ट परिवार के साथ संयुक्त रूप से राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता डायमंड रक्तदाता एवं पर्यावरण प्रहरी डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा के नेतृत्व में ये 357वां रक्तदान शिविर था। कल्पना चावला राजकीय महाविद्यालय के दल ने डॉक्टर जीतू राज सिंह की अध्यक्षता में रक्त संग्रह किया। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि समाज कल्याण और समाज हित में किए गए कार्य बहुत ही सराहनीय है। जलवायु बचाव अभियान हरियाणा प्रभारी अशोक भट्ट, गुलशन भट्ट ने सभी रक्तदाताओं और अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि उन द्वारा उनके पिता रामलाल भट्ट की पुण्यतिथि पर समाज को समर्पित ये छोटा सा प्रयास है ताकि जन कल्याण हो सके। शिविर के सह संयोजक डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रक्तदान से बढ़कर अन्य कोई पुण्य कार्य नहीं। शिविर में 39 युवाओं ने रक्तदान कर पुण्यात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। धर्मेंद्र, जयकिशन, जितेंद्र, रवि, अतुल शर्मा, नीरज कुमार, रविंदर, गुलशन भट्ट, सचिन शर्मा, सन्नी, अमित, सुनील दत्त, रजत शर्मा, सनी, ईशान शर्मा, ऋतिक वर्मा, राजकुमार गांधी, नरेश कुमार, राकेश काकायान, राजकुमार, प्रिंस सैनी, अंकित सैनी, दीपक नायक, विनित सन्नी, मतलूप, दुष्यंत, विकास, दिलीप चोपड़ा, ऋषभ परवीन, मयंक, सचिन, जलेश, राजवीर, रोहताश, निशंत आदि ने रक्तदान किया। इस अवसर पर 200 लोगों को टीकाकरण भी किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन जलेश शर्मा, कांग्रेस नेता विवेक भारद्वाज डब्बू, पूर्व पार्षद मन्नू जैन, पवन चौधरी आदि गणमान्य लोग भी मौजूद रहे।